I would like to call Fajar from pre-first year on presentation, and the topic is Ghibat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے غیبت ایک سنگین جرم ہے موقع ملے تو نہ کسی کی رسوائی کیجئے موقع ملے تو نہ کسی کی رسوائی کیجئے غیبت کچھ اور خیر خواہی کیجئے سامعین اکرام यूं तो हम हराम खाने से बचते हैं, सूद होरी को बुरा समझते हैं, मगर गीबत से बाज नहीं आते, लोगों की ऐब जोइयों को नहीं छोड़ते। आज हर एक की जुबान पे दूसरे की बुराइयां हैं, हमारी महफिलें नुक्ता चीनी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। घर हो या बाजार, दफ्तर हो या मस्जिद, चाहे सफर हो, किसी भी जगह चले जाएं, किसी न किसी की बुराई सुनने को मिलती है। हालांकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की बुराई करना अपने भाई का कच्चा गोश्त खाने के बराबर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गीबत ना करें। गीबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक दफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पस्ता कद कह दिया। ये एक मामूली सा जुमला था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस जुमले को समंदर के पानी के अंदर डाला जाए तो वो भी अपना जायका बदल दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। एक दफा एक बुजुर्ग से किसी शख्स ने पूछा कि इबादत के लिए कौन सा दिन बेहतरीन है, तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मौत से एक दिन पहले। तो उस शख्स ने हैरानगी से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि अपने हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के जियो। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों की बुराइयां ना करें, बल्कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें। इसलिए हमें चाहिए कि गीबत से खास तौर पे जो है हम लोग परहेज करें, किसी की गीबत ना करें। जज़ाकअल्लाहु खैरा।